अब खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां क्रिकेट मैच को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि पहले दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग तक हो गई। इटावा के कटरा शमशेर खां नई बस्ती में रविवार शाम को हुए पथराव और फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक पक्ष सड़क से धार्मिक स्थल पर खड़े लोगों पर पत्थर करता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरे पक्ष के लोग धार्मिक स्थल से सड़क पर पत्थर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रमजान के मौके पर इफ्तार के वक्त हुई पथराव की घटना के चलते शहर में तनाव फैल गया। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। पथराव और फायरिंग के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जिला बदर की बात कह रही है। नोटोरियस लड़के हैं और क्रिकेट की वजह से इनका कई बार झगड़ा हो चुका है और फिर कल फिर इनका कोई मैच हुआ है और उसी का आज एक लड़के का कहीं बर्थडे था, उसी में लेके फिर वही उसका कल का बातें हुई और फिर दो गुटों में झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक तरफ शिवम और डमरू, सुहेल और तालिब थे और दूसरी तरफ कैप, मूसा, दीपक और कन्हैया और कई लोग और थे। तो ये थोड़ा नोटोरियस है, पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, इस बार इन पर मुकदमे लिखकर जिला बदर कराया जाएगा। क्रिकेट मैच को लेकर ही इनका पहले भी झगड़ा हो चुका है, पहले भी अभियोग पंजीकृत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।